नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चले बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। सर्किट हाउस काठगोदाम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक करते हुए अधिकारी को अहम निर्देश दिए। बता दें, कमिश्नर दीपक रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज नैनीताल और भीमताल क्षेत्र के निर्माण से जुड़े कुछ मामले सामने आए जो कि बोर्ड बैठक में रखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पूर्व निर्माण के मामले बोर्ड बैठक में आए हैं जिनको अनुमति दे दी गई है, लेकिन प्राधिकरण ने उनको पुनर्निर्माण की अनुमति शर्तों के साथ दी है। समस्त प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बेला तोलिया, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल। समस्त क्षेत्रवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने आज 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके चलते लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि लोगों में यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट और स्कूलों में छात्रों को जागरूक करेगी। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुलिस लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। हल्द्वानी के बस स्टेशन से बसों का संचालन आज मंगलवार को फिर से शुरू हो गया। आपको बता दें, सोमवार को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यात्रियों की संख्या कम होने से 2 दर्जन रोडवेज की बसें संचालित नहीं हो सकी, जिससे परिवहन निगम को आर्थिक घाटा उठाना पड़ा। वहीं सहायक महाप्रबंधक एसएस बिस ने बताया कि आज सुबह से सभी बसें निर्धारित समय पर रवाना हो गई हैं। जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चे के विभागीय कार्यों को एडीबी को देने के विरोध में कर्मचारियों ने आज हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित जल संस्थान के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया, जहां उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष शीतल झा ने बताया कि ये आंदोलन प्रदेश भर में चल रहा है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अन्य कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक छात्रों, कार्यकर्ताओं और प्राध्यापकों द्वारा रक्तदान किया गया, जिस दौरान प्राचार्य डॉक्टर एनएस बनकोटी ने सभी को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्त की एक बूंद किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।